देखिए मीडिया की निगरानी तो आदित्यनाथ जी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी निगरानी जो ऊपर बैठा हुआ नीली छतरी वाला कर रहा है उससे आप कैसे बचोगे। वो नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठा है वो भगवान, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो भी तो देख रहा है। आप लाशों को छुपा सकते हैं, आप शमशान को छुपा सकते हैं, लोगों की चीखें कब तक आप छुपा पाएंगे? कंसी शमशान पर बैठ के एक सज्जन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा पहले मुझे 7,000 में सिलेंडर मिला, फिर गया वही सिलेंडर 12,000 में मिला, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन। आप बताइए, अगर ये तस्वीरें टीवी चैनल्स को तो आपने बहुत हद तक कंट्रोल में कर लिया है सारा, लेकिन जो कुछ ईमानदार टीवी चैनल्स पत्रकार बचे हैं जो इस खबर को दिखाना चाह रहे हैं, तो भाजपा के मित्रों से भी, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, ऐसा मत करो। ये कोरोना की महामारी है, अपनी सरकार से भी सवाल करो कि वो कुछ करे जनता के। पत्रकारों को मार पीट सकते हो, पत्रकारों से झगड़ा कर सकते हो, उनको गाली गलौज कर सकते हो, लेकिन इससे अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पाओगे, इससे अपने मोहल्ले के लोगों को नहीं बचा पाओगे, इससे उस जनता जो आपको लाइन में लग के वोट देती है उसको नहीं बचा पाओगे, उसको राहत नहीं दे पाओगे। ये इस वक्त बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये वक्त पार्टी को, किससे आपकी प्रतिबद्धता है उस बात को भूलकर देश की जनता के हित को सर्वोपरि रखकर काम करने का। और इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी के भी नेताओं को शर्म आनी चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए कि आपको 325 सीटें दे दी इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ने 302 सीटें दे दी केंद्र में, आप तो अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? अब इस देश को हाथ छोड़ के बंगाल के चुनाव प्रचार में लग गए। तो ये ऐसी संवेदनहीनता तो मेरे ख्याल से कभी आप दुनिया में कहीं नहीं सुने कि लोग इस तरह से मर रहे हैं, कोई आदमी बेपरवाह होके अपने आप को प्रधान सेवक, बेटा और मां भारती का लाल और पता नहीं क्या क्या बता के अभी आ जाएंगे। अभी आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइव कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रोक रोएंगे आप टीवी पे, आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा, वास्तव में अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।